प्रकृति के आपदा से निकले भी नहीं है। हम सभी ने हिमाचल प्रदेश में बीते समय में जो आपदा आई उससे हम सभी भलीभांति परिचित है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस प्रदेश की सरकार, मैं तो कहूंगा इस प्रदेश की सोई हुई सरकार, जिसे केवल इस समय पे भी, ऐसे समय पे भी जब विद्यार्थी परिषद के साथ मिलकर के प्रदेश के हजारों छात्रों ने 2 लाख से अधिक रुपया अपने पॉकेट मनी से इकट्ठा करके प्रदेश की सरकार को दिया, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में दिया, ताकि इस प्रदेश में जो आपदा आई है उसमें जी प्रदेश के छात्रों का भी एक योगदान हो, इस प्रदेश के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने का कार्य प्रदेश के छात्रों ने किया। लेकिन फिर भी जो जिम्मेदारी प्रदेश के छात्रों के प्रति, उन छात्रों के अभिभावकों के प्रति इस प्रदेश की सरकार का है, वही कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि प्रदेश सरकार उससे एक कदम पीछे हट रही है और कहीं ना कहीं टोटली छात्रों के डिमांड्स को, छात्रों की मांगों को इग्नोर करने का कार्य प्रदेश की सरकार कर रही है। आप सभी के माध्यम से मैं बता दूं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आने वाले 1 हफ्ते के अंदर जो विद्यार्थी परिषद की इस प्रदेश सरकार के लिए हुए इस फैसले के खिलाफ, विद्यार्थी परिषद ने जो अपने आंदोलन की रूपरेखा रखी है मैं वो आपके समक्ष रखना चाहूंगा। अभी 4 सितंबर को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल के प्रत्येक कॉलेज कैंपस के अंदर सिग्नेचर कैंपेन के माध्यम से छात्रों के बीच जाने वाली है, और 4 के बाद 8 सितंबर को इस हिमाचल के प्रत्येक कॉलेज कैंपस के अंदर प्रदेश सरकार के एक फैसले के खिलाफ धरना प्रदर्शन होने वाला है, और उसी के बाद 11 सितंबर को इस फैसले के खिलाफ 24 घंटे की भूख हड़ताल पे इस प्रदेश की समस्त छात्र तरुणाई अपने कैंपस में बैठने वाली। मैं इस वीडियो को, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से, मुझे लगता है कि सरकार के कुछ लोग भी इसे देख रहे होंगे, सरकार की सीआईडी इसे देख रही होगी, आप सभी के माध्यम से मैं एक चीज बहुत क्लियरली इस प्रदेश की सरकार को बता देना चाहता हूं कि इस प्रकार के जो तुगलकी फरमान, इस प्रकार के जो ऑर्डर्स बिना छात्रों के हितों को ध्यान में रखकर ये प्रदेश की सरकार ले रही है, तो कहीं ना कहीं इस प्रदेश की सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और आने वाले समय के अंदर, आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बात आप सभी के समक्ष रख रहे हैं, अगर शीघ्र अति शीघ्र प्रदेश की सरकार कुछ समय के अंदर अपने इस फैसले को वापस नहीं लेती, तो इस प्रदेश की सरकार को इस सरकार में लाने के लिए, अपनी पावर में लाने के लिए जो छात्रों के अभिभावक जिनके कारण ये सरकार हिमाचल में बनी है, तो वो उतनी भी क्षमता रखते हैं कि सरकार को बोरिया बिस्तर पैक करवा के वापिस भी जो वही छात्र भेजेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।